बात है कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। मरियम नवाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की तारीख में तरमीम से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि दरख्वास्त में 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस्तिस्ना दिए जाने की इस्तेदा की गई है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। अदालत ने इस्तगासा के मजीद 4 गवाहान को तलब कर रखा है और आपको मजीद बताते चलें कि गवाह को कंफ्यूज किया जा रहा है नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से, ऐसा कहा गया है। इस्तगासा के गवाहान में मलिक तैयब, शहबाज, मजहर, बंगश और राशिद शामिल हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते हुए बताएं कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त मरियम नवाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त